ललन सिंह टारगेट पर हैं, संजय झा टारगेट पर हैं, तो भाजपा ने आइडियली कितने दिन तक मुख्यमंत्री बनाए रखा ये आप भी देख लीजिए कागज पर। नीतीश कुमार सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करने लगते हैं भाजपा का, किसी बात पर भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, किसी बात पर नहीं बोलते हैं, कि नीतीश भी अपने ऑप्शंस तलाशते रहते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के दौरे पर है, काफी महत्वपूर्ण दौरा है उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य के हिसाब से। वही बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास के लोगों को उनसे अलग करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। जदयू के MLC ने अशोक चौधरी पर आरोप लगाया, साथ ही आसपास रहने वाले लोगों पर खुद उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया और कहा कि यही वो लोग हैं जो लगातार नीतीश कुमार को बरगला रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं आखिर उपेंद्र कुशवाहा का ये दिल्ली दौरा इन लोगों के सर्जरी से कैसे जुड़ा हुआ है। नहीं देखिए, भाजपा एक बात समझ गई है कि कुछ खास लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा में नीतीश कुमार को भी बरगला रहे हैं। जी, नीतीश कुमार को भाजपा ने आइडियली कितने दिन तक मुख्यमंत्री बनाए रखा ये आप भी देख लीजिए कागज पर। आज भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री तेजस्वी को नहीं बनाया, बल्कि आज से 2 साल बाद का समय मुकर्रर कर दिया कि 25 में जाके उनको हम देंगे, माने पूरी तरीके से चुनाव से पहले जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि अब आप ही माने लीड कीजिए महागठबंधन को। 2 साल नीतीश कुमार की गारंटी नीतीश कुमार खुद ले लेंगे अपनी? नहीं लेंगे। 2 साल में कितना कुछ बदल जाएगा बिहार की राजनीति में? अभी ही खबरें चलने लगती हैं, नीतीश कुमार सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करने लगते हैं भाजपा का, किसी बात पर भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, किसी बात पर नहीं बोलते हैं। इससे एहसास ये हो रहा है कि नीतीश भी अपने ऑप्शंस तलाशते रहते हैं, रखते हैं, बिल्कुल हमेशा गुजर सकते हैं और एक विंडो हमेशा खुला रखते हैं भाजपा के साथ वापस जाने का। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के उस विंडो के बारे में भी हम अगली खबरों में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली रहना और दिल्ली से बिहार की सर्जरी करना, निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल में महागठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं उनमें सबसे बड़े हैं। जी, माफ कीजिएगा, NDA के जो सहयोगी हैं उनमें सबसे बड़े हैं। जी, चूंकि अभी खुलकर वो आए हैं नहीं है भाजपा के साथ, और जिन रणनीतियों पे वो काम कर रहे हैं उसमें भाजपा चाहती है कि वो अभी खुलकर ना आए, बल्कि RCP सिंह से जो काम उम्मीद की थी भाजपा ने, किसी कुछ विधायकों को तोड़े उस पार्टी से, वो काम उपेंद्र कुशवाहा वहीं रहकर करें, बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। कई MLC उनके साथ खुलकर आए हुए हैं तो कई नेताओं को वो खुलकर टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा कि अशोक चौधरी एक बयान देकर कि उपेंद्र कुशवाहा किराएदार हैं खुद फंस गए, ललन सिंह टारगेट पर हैं, संजय झा टारगेट पर हैं। इन तीनों नेताओं को लेकर भाजपा के मन में ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बार जो भागे हैं तो उसमें हाथ इन्हीं तीनों नेताओं का है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद जो है वो दिख रहा है। और आज जदयू जिस कगार पर खड़ी है, जहाँ से लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा टूट करने के लिए तैयार है किसी वक्त, और जा भी नहीं रहे हैं और रुके हुए पार्टी में और हक भी मांग रहे हैं, ये सब कुछ एक्चुअली स्क्रिप्टेड लग रहा है। अगर इस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको राजनीति समझ में नहीं आती है। दिल्ली बार बार उपेंद्र कुशवाहा का जाना, इलाज के बहाने भी गए थे जी, तो 3 दिन भाजपा के नेताओं से ही मुलाकात की, आज भी उनकी मुलाकात भाजपा नेताओं से हो रही है, ये कंफर्म हमें सूत्र से पता चल गया है कि वो भाजपा नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और रणनीतियां बन रही हैं कि कैसे नीतीश कुमार को और कमजोर करना है, कैसे नीतीश कुमार को उनके आसपास के लोगों को टारगेट करना है जी। और इस बार खासतौर पर भाजपा के रडार पर है अशोक चौधरी, ललन सिंह और संजय झा, तीनों का अलग अलग कारण है। जहां ललन सिंह की अपनी महत्वाकांक्षा है कि नीतीश कुमार को अगर भाजपा से अलग रखेंगे तो बिहार में उप मुख्यमंत्री का स्कोप बना रहेगा, वहीं अशोक चौधरी को ये लगता है कि चूंकि पिछले समाज से मैं आता हूँ, नीतीश कुमार के करीबी हूँ, अगर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मुझे मिल जाएगी या नीतीश कुमार एकाएक मांझी वाला फैसला अगर कभी लेते भी हैं तो मेरा लॉटरी लगना तय है। इसी तरीके से संजय झा भी एकमात्र ब्राह्मण चेहरे हैं वहां पर और नीतीश कुमार की पार्टी में सवर्ण चेहरों में एक बड़ा स्थान रखते हैं, लेकिन ये बताया जाता है कि भाजपा के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग उनका भी बैठता नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति जो उनकी है वो भाजपा से सीधी टक्कर में रहती है और इस वजह से उनका भी नंबर इसमें लगा हुआ है। तो कायदे से इन तीन नेताओं की सर्जरी दिल्ली में करने का उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो आप उनके तेवर में
सीधे तौर पर देखिएगा इन लोगों के प्रति काफी गर्मी दिखेगी आपको और समझ में आ जाएगा कि उपेन्द्र कुशवाहा चाहते क्या है। अभी तक नीतीश कुमार के खिलाफ उपेन्द्र कुशवाहा ने कुछ खास नहीं बोला है जी, जी। अभी तक जो कुछ वो कह रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि या तो कोई अशोक चौधरी है या संजय झा है या ललन सिंह जो है जो पार्टी को कमजोर कर रहा है। एक बात और उन्होंने कही थी कि जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही संपर्क में भाजपा के है। नीतीश कुमार तो सब जानते हैं कि एक बैकअप प्लान रखते हैं हमेशा भाजपा के साथ और बात उनकी चल भी रही थी भाजपा से जी। लेकिन बाकी नेता कौन है जो भाजपा के साथ साठगांठ किए हुए हैं। कल ही एक और एमएलसी इसी पार्टी के जदयू के रमेशो महतो ने कहा है कि अशोक चौधरी संपर्क में है कई बड़े दलों के। तो ये क्या साबित कर रहा है कहीं ना कहीं इस बार जदयू को कमजोर करने वाले लवकुश को कमजोर करने वाले लोगों पर टारगेट पूरी तरीके से उपेन्द्र कुशवाहा का रहेगा। और उपेन्द्र कुशवाहा को लगता भी है कि यही तीन नेता हैं जो नीतीश कुमार के ध्यान को फिलहाल अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो उपेन्द्र कुशवाहा दिल्ली में मौजूद हैं और उनका दिल्ली दौरा हर बार की तरह इस बार भी महत्वपूर्ण है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास के लोगों पर कैसे हमला बोला जाए नई रणनीतियों के साथ दिल्ली से वापस लौटेंगे उपेंद्र कुशवाहा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।